इसकी टांग टूट गई एक है ना, ये वाली है वो टूटी पड़ी। तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज कल लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आज है ईद उल अज़हा। तो मेरे साथ वही दोस्त है जो पहले ईद पे था, ईद उल फितर में मेरे साथ यही था, ठीक है। तो अभी वही सुबह का टाइम हो रहा है, तो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सेम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ईद मुबारक जनाब। नमाज़ पढ़ने चलो, बिल्कुल यार बड़ा हैवी माहौल बना हुआ है, ठीक है ना। एक तरफ से टेंशन सी लग रही है, एक तरफ ईद है, एक तरफ खुशी है, और एक तरफ थोड़ा सा दुख भी है। और ये दोबारा ईद है मेरी, इधर ईद के बीच वाले दिन थे घर, जैसे कि देख रहे हैं वीडियो में आप सारे। इंशाल्लाह सेम वही कुछ सीन होगा, कोई नहीं। क्या इस दफ़ा शर्त लगी कि हम लोग जाएंगे मस्जिद के अंदर, रश बहुत ज़्यादा होता है, देखेंगे क्या बनता है। सब भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक है। चीज लग रहा है, बड़ा ज़्यादा फर्क पड़ रहा था चारा भाई जान, बहुत बहुत ईद मुबारक जी, ठीक है ना। सारे के दसने ईद मुबारक। सबसे मिल ली हम दोनों ने, दोस्तों से भी मिल ली। आप रूम की तरफ जाते हैं, देखते हैं पता नहीं अभी नेक्स्ट क्या करना है, क्या प्लान है क्या नहीं, जाके दोस्तों से भी मिल के। भाई इसके लिए अच्छा है क्योंकि इसकी एक टांग तोड़ दी थी, तो उसके बाद नहीं जानवर बहुत तकलीफ है। चलो खैर, अल्लाह पाक कबूल फरमाया जिसकी कुर्बानी है। वी आर वेटिंग देयर, ये काम तो हो ही गया है। Meanwhile, बड़ा अच्छा मौसम पड़ा हुआ है, ठीक है ना। हमको मालूम नहीं है हम कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, रोड क्रॉस करने का दिल बड़ा है, अभी गाड़ी लेके आ रहा है। माउंटेन ड्यू पी के ना बाहर मेरा दोस्त, माउंटेन ड्यू पीने के बाद हम भाई मेरे हमारे आपस में जंग हो गया इंडिया और पाकिस्तान की। ये अच्छे बड़े दोस्त बन गए, उनके साथ ही कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, लेकिन जंग है। ये हमारा अरबाब जा रहा है, नाजी अरबाब, छोटा अरबाब वीडियो भी बना रहे चाहिए सामने, यूट्यूब तो पाने चलिए कर नहीं तो सीधा कौन अभी आई दिल गाइस हम लोग यहाँ पे आगे खड़े हुए हैं बिल्कुल मेन के ऊपर, वो मेन स्ट्रीट जा रही है, और ये होम स्टार मुबारक यार, ये एंट्रेंस है इसकी, और ये यहाँ पे सारा पार्किंग एरिया है।
इन भाई के आने हैं दोस्त बाप, तो उनसे मिलेंगे और बाप साहब के, तो फिर इंशाल्लाह। मैं भी आखा रात में 2:30-10 बजे लगता है क्यों? नाटक क्या करता है ये? तीन बंदे हैं ठीक है ना, वो आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो जा रहे हैं सतवा में, 7 बंदे लेके हम लोग यहाँ पे आए फिरने। पहले चक्कर मारा मैंने 40 नंबर का, उसके बाद फिर दूसरा मारा, फिर तीसरा, चौथा लग रहा चक्कर, साथ ये बंदा है इसकी वजह से। वाह बेवकूफ। क्या है यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है ये इंशाल्लाह मैं थोड़े दिनों से गाड़ी लूंगा ना उसके पीछे लगा है तो है। ये कपड़े वगैरह लेने आए हैं। अच्छा ये मैम ही मुझे लेके आ गए फजूली। ये साहब ऐसे ही कहते थे शॉपिंग करनी है। ये किस साइड पे जा रहे हैं वैसे हम? आगे देखो आगे लेडीज वाला सामान आ गया, वापस मुड़ो यार बाहर निकल, गलत जगह में आ गए, ये हमारे काम की चीजें नहीं है। हाँ इधर काम की चीज भाई, अपना क्या मुकाबला करोगे, अपने यहाँ भी बड़े दोस्त हैं। लाइन जा रही है पूरी, आधे वो जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग सीधा जाएंगे यहाँ से कि अपनी साइड ही साइड पे। साड़ी का कौमी जबान उर्दू ही है। गाड़ियाँ रुल रही हैं भाई जान, इधर देखो, देखिए हालात क्या क्या हालात चल रहे हैं यूएई में, इसलिए यहाँ पे बहुत मजा आ सीधी सी बात है। देखो सुनसान, जब दिल करे बाहर निकलो, जब दिल करे फिरो, कोई रोकने टोकने नहीं, कमाओ अपना अपना खर्चा करो, माँ बाप के ऊपर तो नहीं होगे ना वेल है, लेकिन हाँ ओके ओके यार यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।